दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे शानदार इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो कि आपके घर की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ में आपके घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। इन पौधों की दोस्तों कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, तो आज आप लोगों को मैं उन्हीं पौधों की कटिंग लगाना बताऊँगी। नर्सरी में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन अगर उन्हें कहीं से कटिंग से ले आते हैं तो फ्री में आपके घर के अंदर ऐड हो जाएंगे। और लगाना बहुत ही आसान है। सारे मेथड, सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी, केयर टिप्स, हर चीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों क्या होता है कि हर कोई गार्डनिंग करना चाहता है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, ना तो प्लांट लगाने का, यहाँ तक पानी देने का भी टाइम नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही आसानी से चलने वाले खूबसूरत और शानदार इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप पार्क में जाते हैं या फिर आस पड़ोसों के में देखते होंगे पौधे लगे, तो उनसे आप कटिंग ले सकते हैं, या पार्क में भी वहाँ से कटिंग ला के अपने घर में लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस पानी दे दीजिएगा हफ्ते में एक दो बार, हल्की सी धूप, ब्राइट लाइट दिखा दीजिएगा, फिर ये जो प्लांट की कटिंग में लगाना बताऊँगी वो आराम से आपके घर में सर्वाइव कर जाएंगे। तो चलिए फिलहाल बताते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हमारा सबसे खूबसूरत सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम के तो बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन जो कॉमन तौर पे होती है वेराइटीज़, ये वाली अक्सर हर जगह देखने को मिल जाती है। इसमें देख सकते हैं गोल्डन और ग्रीन वेरिएशन है। तो इस तरीके के पत्तियों में वेरिएशन वाले प्लांट्स रहते हैं ना, तो अगर घर के अंदर रखते तो उनकी खूबसूरती बढ़ती ही है, साथ में प्लांट भी देखने में अच्छे लगते हैं। इनको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इनकी छोटी सी कटिंग लेके आप किसी भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, साथ साथ में इन्हें आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इंडोर रखते हैं तो इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, यानी वेंटिलेशन हो, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। किसी कॉर्नर में ना रखें जहाँ पर प्लांट हमारा सर्वाइव ना कर पाए। दोस्तों आज मैं फ़िलहाल इनकी कटिंग लगाना बताऊँगी किस तरीके से हम सिंगोनियम को ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम की दोस्तों बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं, इनमें से एक ये भी है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। नर्सरी में ये पौधे लेने जाते हैं तो थोड़ा सा ये महंगे मिलेंगे, लगभग आपको 100-150 यहाँ तक कि 200 तक की इनका प्राइस हो जाता है। तो इनको कटिंग से आसानी से अगर कहीं दिखे तो ले आएं, और अक्सर पेट्रोल पंप है या फिर कहीं गार्डन होता, नहीं क्या बोलते हैं, पार्क होता, वहाँ से कटिंग आप छोटी से लेके ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे मनी प्लांट्स होते हैं ना, एरियल रूट्स निकले हुए रहते हैं, तो ऐसे ये भी रहते हैं, देख सकते हैं नीचे से एक बेल के तरीके से ये आ रही है। तो उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम ऐड किया था ना, तो एक सिंगल सी बेल ही ली थी, और आज देख सकते हैं मेरा कितना घना पौधा हो गया, इसी में लाके लगा दी, वो लगा हुआ भी है, बहुत ही ज़्यादा देखिए रूट्स इसमें बन रहे हैं। तो आज इनको फिलहाल एक सिंगल लीफ से ग्रो करना है। क्या करना है देखिए, यहाँ से रूट्स निकल रही है ना, तो यहीं से इनकी कटिंग लेंगे। एरियल रूट्स दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रहता है, अगर एरियल रूट्स रहते हैं ना तो कटिंग लगने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहती है। देखिए इस तरीके से यहाँ से हम कटिंग ले लेंगे, थोड़ी सी नीचे से, जहाँ नोड एरिया की नीचे से लेना है, देख सकते हैं ये मैंने कटिंग ले ली है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जो जेल आता है ना वो भी लेके लगा सकते हैं। तो ये जो नोड एरिया है जहाँ पर जड़ें आ रही हैं ना, इनको हम मिट्टी के अंदर रखेंगे। मैंने यहाँ पे सॉइल बिल्कुल गार्डन की नॉर्मल सॉइल और वर्मी कंपोस्ट है, ये तो सॉइल लेके मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों दो तरीके होते हैं, आप चाहे तो पानी डाल दें पहले या कटिंग लगाने के बाद इसमें पानी डालें, तो मैं आज पानी डाल देती हूँ ताकि मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाए, कटिंग जो रूट से वो ख़राब ना हो। ऐसा ना अगर मिट्टी सख्त होती है तो हम डालेंगे इसको तो ये टूट जाएगी जड़ें, तो इसे आराम से लग जाता। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग को कम से कम 2 इंच आराम से आप मिट्टी में इस तरीके से दबा दें। इनको ऐसी जगह पे छाया में रखें ना कि कटिंग आपकी ये सेट हो जाए। और अभी जैसे कि डोरमेंसी में जाने वाले हैं, वैसे सार मैं तो बता दूँ विंटर में तो बहुत अच्छे से चलते हमारे सिंगोनियम, तो इनको ऐसी जगह पे रखिए ना जहाँ कि इनको ब्राइट लाइट सुबह की मिल जाए, वैसे चल जाएंगे। तो ये सिंगोनियम है, पानी नीचे धीरे धीरे रिसेगा, और ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगोनियम की भी कटिंग तैयार कर ली है, तो आप भी इस तरीके से इंडोर प्लांट कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने पानी में लगाया है फ्लोडेंड्रोन,
उनकी पत्तियों में इस तरीके से वेरिएशन रहती है, थोड़ी सी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, कभी कभी गोल्डन में भी हो जाता है, तो खूबसूरत लगता है। ये मैंने पानी में रखा था, अभी इसमें देखिए कितने अच्छे से जड़ें बन गई हैं। इसको मैं पानी में रखूँगी और मिट्टी में भी लगा दूँगी दोनों जगह पे। इनकी पत्तियों की जो वेरिएशन है देख सकते हो, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है, अच्छे लगते हैं। कभी कभी इनमें येलो आ जाता है, गोल्डन यानी आ जाते हैं बीच में, तो वो वाली भी वेराइटी ये भी है। पत्तियाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती हैं। इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान, को सिंगल लीव्स भी ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से नया नया नोड निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। एरियल रूट्स भी जैसे मनी प्लांट्स होते हैं ना दोस्तों, वैसे ही सेम होते हैं, तो इनको एक सिंगल लीव से भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एक कटिंग लगाऊंगी, बाकी और ये एक है, इनको मैं पानी में ही इस तरीके से बॉटल में या किसी चीज़ में आप रख के लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बस पानी आप रोज़ चेंज करते रहिए तो सबसे अच्छी बात है, ये पानी में अच्छे से चल जाएंगे। तो चलिए मैं पहले इनकी कटिंग कट कर लेती हूँ। तो ये जो कटिंग है दोस्तों, इनको हमें नोड से जहाँ से नोड उसके थोड़े से नीचे से इस तरीके से हमें कट कर लेना, देख सकते हो इस तरीके से इतना। तो यहाँ पे मैं 3 या 4 कटिंग बनाने जा रही हूँ, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगी इधर भी, तो यहाँ पे 4 हो गया ना। तो चारों को अगर मैं इस तरीके से पानी में रख दूँगी तब भी अच्छे से ये चल जाएंगे। और पत्तियों से इजी टू ग्रो प्लांट है, सिंगल लीफ से लगने वाले देखिए। तो फिलहाल मैं इनको सॉइल में लगाऊंगी। यहाँ सॉइल मैंने इसी तरीके से लिया जिसे मैंने सिंगोनियम के लिए लिया था, पानी डाल देंगे ताकि कटिंग हमारी लग जाए। और ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सॉइल दोस्तों, और आप क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा, आसानी से लग जाएंगे। ये जो मेरी कटिंग है ना, इनको मैं इस तरीके से, जब भी आप ये कटिंग लगाते हैं रूट्स वाली ना, तो थोड़ा टेढ़ी से करके लगाएं, तो एक एक करके बस ऐसे थोड़ी सी मिट्टी में टच कर जाएं। ये वाला जो एरिया है नोड वाला मैं दिखा दूँगा, जो न्यू पत्तियाँ आ रही ना इनको नहीं भिगोना, सिर्फ जड़ें अंदर करनी है, ताकि मिट्टी अगर संपर्क में आएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे ना, तो उनको हमें नहीं करना, सिर्फ जो जड़ है ना उनको आराम से इस तरीके से दबा देना है, इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही जल्द इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये पेलोड्रन है, इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इंडोर प्लांट है दोस्तों, थोड़ा कॉस्टली आता है, नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको ये 250-300 का मिलता है प्लांट। एक सिंगल लीव्स भी लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगी देंगे, तो इन्हें भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। खूबसूरत सा प्लांट है पेंडानस, और ये इंडोर प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी भी कटिंग दोस्तों लग जाती है, नीचे से निकलती है। यहाँ से रूट डिवाइडर प्लांट है, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने छोटे से चेंज के गमले में लगाया हुआ है, और यहाँ से देखिए नए नए प्लांट्स निकल रहे, तो इनको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी इस तरीके से, आसान से तोड़ लेंगे हम, निकल जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है इस तरीके से, इसमें पहले से ही रूट्स रहते हैं, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, प्लांट हमारा थोड़ा और सा अच्छे से ग्रोथ करता है, कटिंग हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं 2 या 3 प्लांट लूँगी दोस्तों। और इस तरीके से पत्तियाँ जब येलो हो जाए ना, तो इनको आपको हटा देनी चाहिए, नहीं प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। सूखे हुए पत्तियों को रिमूव कर देना चाहिए, ये ज़रूरी है हर प्लांट के लिए, तो ध्यान दें। कब प्लांट अगर लगाते हैं तो केयर भी करनी चाहिए, पानी की ज़रूरत होती, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पत्तियाँ येलो हो रही हैं, इन्हें आप ज़रूर हटा दें। तो मैंने ले लिए रूट, थोड़ी सी बड़ी है तो इनको थोड़ा सा रूट को प्रोन कर देते हैं इस तरीके से ना, तब कटिंग लग जाएगी। इतनी छोटी सी भी दोस्तों कटिंग लग जाती है, इनको हैंगिंग बास्केट में लगाया, छोटे से पॉट्स में, तो ये ईजिली ग्रो हो जाएंगे। तो फाइनली मैंने वही चीज़ दिया डिस्पोजल, पानी डालेंगे फिर कटिंग को इसी में इस तरीके से बढ़ा देंगे, बस जड़ वाला प्लांट्स इसमें होना चाहिए, आराम से ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेंडानस भी दोस्तों लग गया है कटिंग के थ्रू, इन्हें भी आप इंडोर अपने गार्डन में दोस्तों लगा सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा एक कलेथिया का प्लांट है, वेरीगेटेड वाले हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी इसमें ना कीड़े लग रहे थे, तो इस पर वाइट कलर का मतलब फंजीसाइड डाला गया है, कीटनाशक जो भी डाला गया है, जिसकी वजह से ये लग रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा। और इंडोर प्लांट में दोस्तों ये बेस्ट प्लांट होता है। कलेथिया की वैसे बहुत सी वेराइटीज़ आती है, ये वाली भी अच्छी लगती है और भी आती जो पत्तियों में और डिज़ाइन वगैरह बनी रहती हैं। और केयर करने की मैं बात करूँ दोस्तों, बस पानी देना रहता है इनको, ज़्यादा कुछ नहीं। छोटे से पॉट, अगर पौधा आपका छोटा है तो छोटे से गमले में लगाइएगा, साइड में रखिएगा, आराम से चलता रहेगा। ये सारे जो पौधे हैं दोस्तों ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं, नहीं तो प्लांट आपके सालों साल ये चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा प्लांट है वो है, ये एग्लोनिमा है, वाइट और ग्रीन वेरिएशन है इनका, बहुत ही प्यारे लगते हैं। एग्लोनिमा की भी दोस्तों बहुत सी वेराइटीज़ आती है, तो अगर इनको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कटिंग से। इंडोर दोस्तों आसानी से चल जाता है, बस पानी ज़्यादा ना दें, पौधे को ब्राइट लाइट दिखाते रहें तो आराम से ये आपके घर के अंदर चल जाएगा। और ऑक्सीजन भी दोस्तों ये देता रहता है और नेगेटिविटी को भी दूर रखता है, तो इन्हें भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये दोस्तों हमारा ड्रेसिना है रेड वाला, इसमें बहुत अच्छे कलर वेरिएशन रहते हैं, तो ये भी कटिंग से ही लगते हैं। मैंने इसकी वीडियो शेयर करी थी कटिंग से, तो उनसे भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, छाया में चलने वाले इंडोर प्लांट माने जाते हैं। इनमें दो तीन कलर आते, पिंक आते हैं, पर्पल और ग्रीन, देख सकते हैं इस तरीके से। इनके लिए इरीगेशन, इनकी हाइट कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। ड्वार्फ वाले भी आते हैं जो कि डॉल वैरायटी बोलते हैं, तो दोनों मेरे पास है, लेकिन ये वाले कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से पत्तियाँ येलो हैं तो उनको हटा दें, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी रुके ना और प्लांट हेल्दी बना रहे। तो इस तरीके से पत्तियाँ दोस्तों क्या होता है, प्लांट की खूबसूरती बढ़ाती हैं, प्लस क्या होता है कि इनकी जो ग्रोथ होती है ना, रुकावट आ जाती है। सारी एनर्जी सूखी पत्तियों में लगा देते हैं और फिर प्लांट आपका मरा मरा सा और बदसूरत सा दिखने लगता है। तो सूखी पत्तियों को हटाते रहें हमेशा। मैं जब भी इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ तभी मेरे नज़र में आते हैं, वैसे नहीं आते हैं इतने प्लांट होने की वजह से ना, तो इन्हें भी कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा मॉन्स्टेरा का प्लांट है, तो ये भी कटिंग से इसलिए लग जाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा शाइन करती हैं, तो ये कटिंग से ही मैंने लगा था। अभी प्लांट छोटा है इसलिए मैं कटिंग नहीं लगा रही हूँ। इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जाती है, इस तरीके से कटे कटे इनके लीव्स रहते हैं, तो ये इनकी खूबसूरती है। हार्ट शेप इनकी पत्तियाँ होती हैं और कटिंग रहती हैं 3 या 4, तो ये खूबसूरत प्लांट है। कटिंग से इंडोर लगाएंगे तो आपका जो घर खूबसूरत लगता है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी ये जो अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, यानी कि हवा को शुद्ध करने वाला भी पौधा है, नेगेटिव एनर्जी को भी दूर रखते हैं। तो कटिंग से आप इनको बेझिझक अपने गार्डन में लगा लीजिएगा इंडोर। और इनकी बहुत सी वैसे वेराइटीज़ आती है, तो बिल्कुल कॉमन वेराइटी है। इनके छोटे से स्टेम में दिखा दूँ इनके रूट्स किस तरीके से, इस तरीके रहते हैं लंबे लंबे से, तो अगर मोस स्टिक लगा दे तो और ग्रोथ इनकी अच्छी होती जाती है। तो इन्हें भी आप लोग दोस्तों बिल्कुल लगाना ना भूलें, कहीं भी दिखे तो ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट दोस्तों सबसे खूबसूरत घर के अंदर प्लांट लगाने वाला जो है प्लांट, ये हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनकी खूबसूरती ही देख के बनती है, कितनी खूबसूरत दिख रहे हैं, तो ये भी कटिंग से ही लग जाते हैं। और मैंने वैसे बहुत सारे कटिंग इनकी लगाई हुई है, तो अभी फ़िलहाल प्लांट को मैं घना करूँगी। देख सकते हैं नए नए नोट्स भी नीचे से आ रहे हैं, तो इनको छाया में रखेंगे आसानी से चलेंगे। एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, लकी प्लांट भी हैं, तो इन सारे प्लांट को आप लोग अपने घर के अंदर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।